गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए हुए होंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने पढ़ना लिखना ही छोड़ दिया है। और थोड़ा सा दिल्ली वाले एरिया में रह रहे तो थोड़ा पॉल्यूशन से बच के रहिएगा, बड़ी खराब हालत है इधर पॉल्यूशन वगैरह से। आंखों में इचिंग होती है कुछ लोगों को, जिनको थोड़ा सा सांस वांस लेने में दिक्कत है पहले से ही, उनके लिए तो और खराब समय है ये, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा, है ना। राइट, चलो फिर आज इस समय लाइव आने का क्या मतलब है, तो आप सब जानते होंगे मैंने अनाउंसमेंट किया था आई थिंक 21 या 22 तारीख को कि हमारा महासंगम बैच नंबर 4 फिर से आ रहा है। फिर से का मतलब है क्योंकि पहले ऑलरेडी महासंगम बैच 1, 2, 3 ऑलरेडी आ चुके हैं हमारी एप्लीकेशन पर, तो महासंगम 4 बैच, ऐसा बैच जिसका नाम है वन स्टॉप सॉल्यूशन। एक ही बैच में आपको एक्सरसाइज, पीडीएफ, थ्योरी क्लासेस, साथ में डाउट क्लासेस, साथ में आपको जितनी भी सारी टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी जिस पे एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप डिफेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी के किसी भी सेगमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे के किसी सेगमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी हमारी वेबसाइट पे, हमारी वेबसाइट है futuretimestest.com, जो भी उस वेबसाइट पे जितनी भी सारी टेस्ट सीरीज हैं वो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम इस बैच में जो लोग इनरोल करवाने वाले हैं, और बहुत सारे बच्चों ने तो ये बैच परचेज भी कर लिया है, उन सबको तहे दिल से धन्यवाद आपको इतना ट्रस्ट करने के लिए हमारी टीम पे। और मैं आप लोगों को कुछ बातें भी बताऊंगी इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं बैच के बारे में बात कर लूं, तो बैच जो है उसका नाम है महासंगम बैच 4, ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर टाइम्स कोचिंग की एप्लीकेशन पे मिलेगा आपको। इसके अलावा इस बैच के कहीं पर भी वीडियोस वगैरह आपको नहीं मिलने वाली हैं। और जब बैच की बात करते हैं तो डेली 4 से 5 घंटे की लाइव क्लास होंगी। क्यों होंगी 4 से 5 घंटे की लाइव क्लास? बिकॉज आपको हिंदी तो इसमें नहीं है एड, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, जीएस, साइंस, सबकी आपको डेली 1-1 घंटे की क्लासेस मिलने वाली है। हाँ, साइंस भी आपको इस पर रेगुलर बेसिस पे आपको मिलने वाली है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैम साइंस जो है वो एक साथ करवा देना इसमें, तो साइंस मतलब आपको वीक में 5 से 6 क्लास आपको साइंस की भी मिलेंगी, 1 क्लास आपको जीएस की मिलेगी, और आपको यहाँ पर इंग्लिश की मिलेगी, रीजनिंग की मिलेगी, मैथ्स की मिलेगी। अब जब बात करते हैं तो ये सारे सब्जेक्ट आपको थ्योरी वाले सब्जेक्ट कंप्लीट तरीके से पढ़ाए जाएंगे। अगर मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में हमारे पास 2 टीचर हैं, डीपी सर एंड एसबीएस यादव सर, दोनों ही अपने आप में मैथ्स के धुरंधर हैं, दोनों ही अपने आप कंटेंट को इस तरीके से अपडेट करके पढ़ाते हैं कि आप लोगों को इसके अलावा कहीं मैथ्स से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इंग्लिश में सुमन मैम है वोकैबुलरी वाले पार्ट में, और सुमन मैम की आप वीडियोस आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे, सुमन मैम डालेंगे तो वैसे ही आपको मालूम चल जाएगा। और इंग्लिश में जो ग्रामर वाला पार्ट है वो हमारे महासंगम 3 बैच वाले जो सर हैं रवि सर, बड़े जेन्युइन से इंसान है, एकदम सर पढ़ाने से मतलब है, और बहुत बढ़िया कंटेंट एकदम डिलीवर करते हैं आप लोगों को, तो वो लेंगे। रीजनिंग में हमारे पास 1-2 टीचर्स हैं जो नए भी जुड़ने वाले हैं और पुराने भी टीचर्स हैं, तो जो भी आप कहेंगे उन रीजनिंग में उन टीचर से आपको पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन यकीन मानिए हमारे पास बेस्ट टीचर थे और बेस्ट ही हम अब नए टीचर्स को भी यहां पर इंट्रोड्यूस आपके सामने करवाने वाली हूं मैं, ठीक है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में इसमें अनुराग सर मिलेंगे आपको, ठीक है। अनुराग सर की क्लासेस ऑलरेडी यूट्यूब पे 2 क्लासेस पड़ी है, और यकीन मानिए बहुत बेस्ट तरीके से सर पढ़ाते हैं आपको सारी चीजों का, आपका डाउट कुछ भी नहीं रहने वाला है। क्लासेस एक दो क्लास करोगे, टीचर की लैंग्वेज प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। बाकी इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारी अपनी वही टीम है, पुरानी टीम, कोई ऐसा नहीं है कि आपको जीएस वाले पार्ट में या साइंस वाले पार्ट में कुछ आपको अलग मिलने वाला है, राइट। जब इस बैच की बात करते हैं तो इस बैच के अंदर आपको फ्री टेस्ट सीरीज, हाँ बिल्कुल आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलने वाली है इस बैच के अंदर। अब टेस्ट सीरीज कैसे मिलेंगी वो सब बात की बातें हैं। और बैच जो स्टार्ट होने वाला है वो ऑन 29 नवंबर, मतलब परसों से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन पे रेगुलर बेसिस पे इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और जिन जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है, आपके पास कल का समय है, परसों का समय है, 2 दिन का समय है, आप एडमिशन ले सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों ने तो पहले ही इतना ज्यादा ट्रस्ट दिखाया है और पहले से ही एडमिशन अपना ले चुके हैं, तो उन सब बच्चों से हम 29 नवंबर को मिलने वाले हैं। मेरी भी क्लास होगी और उस दिन मैथ्स की भी क्लास होगी, इंग्लिश की वोकैबुलरी की क्लास होगी, और जीएस वाले पार्ट में हिस्ट्री या ज्योग्राफी की एक क्लास होगी। तो ये एक ऐसा बैच है बच्चों, अगर आप तैयारी से, ईमानदारी से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, सच में आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, तो आपको दिन में 5 घंटे तो थ्योरी वाले पार्ट में आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको हम इतनी सारी एक्सरसाइज, पीडीएफ, बहुत कुछ आपको इसमें प्रोवाइड करवाने वाले हैं कंटेंट के तौर पे भी। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर ढंग से पढ़ना चाहते हैं चारों के चारों मेजर पार्ट, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अब कुछ एग्जाम है जिनमें इंग्लिश नहीं आता है, हिंदी आता है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी चलो कि थोड़ा सा फ्यूचर में आगे चलकर हम इसमें
हिंदी वाला पार्ट भी ऐड कर देंगे. बाकी रीजनिंग हर एग्जाम में आता है, जीएस हर एग्जाम में आता है, साइंस हर एग्जाम में आती है, स्टैटिक जीके हर एग्जाम में आता है, करंट अफेयर हर एग्जाम में आता है, मैथ्स हर एग्जाम में आता है, तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही सारा. हाँ, हिंदी इंग्लिश में कुछ एग्जाम में चॉइस होती है, तो मैंने सोचा है कि थोड़ा सा आगे चलकर अगर बच्चों की ज्यादा डिमांड आएगी, एक दो बच्चों के फोन भी आए थे, तो हम इसमें हिंदी भी ऐड करवा देंगे, है ना. तो ये कोई वो बात नहीं है, मैं हमेशा बच्चों की सुनती हूँ, तो अभी भी आपकी सुनी जाएगी. उसके लिए कुछ नहीं, उसके लिए तो एकदम बिल्कुल आपका हुक्म सर आंखों पे है. बाकी अब बढ़िया तरीके से अपने तैयारी करो, लेकिन वही बच्चा इस बैच को ले जो सच में तैयारी करना चाहते हैं और सच में पढ़ना चाहता है, आलतू फालतू की बात नहीं करना चाहता, इर्द गिर्द की बात नहीं करना चाहता, सिर्फ वही बच्चा आए. कोई बात नहीं, कम बच्चे आएंगे, पहले तो कम बच्चे हैं ही नहीं इस बैच में, जितने हैं उतनों को पढ़ा लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है. तो वही बच्चा सीरियस कैंडिडेट आए जिसको ढंग से पढ़ना है आपको, क्योंकि आप इसमें सोचिए मैं कितने सारे टीचर्स किस तरीके से अरेंज करके इस बैच में मैं आपको दे रही हूं. यकीन मानिए बहुत मेहनत लगती है इस बैच के पीछे, है ना. इंग्लिश के दो टीचर, मैथ्स के दो टीचर, सारा इतने सारे टीचर्स का आप देखो काउंट करो. बस अकेलौती मैं ऐसी टीचर हूँ जो बायोकेमिस्ट्री दोनों एक टीचर दो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, बाकी तो आपके सारे हर सब्जेक्ट के अलग टीचर हैं. और तो और मैथ्स के दो टीचर, इंग्लिश के दो टीचर दिए हैं मैंने आपको. अब बताइए आपको क्या चाहिए इससे ज्यादा. तो प्लीज वही बच्चा इस बैच को परचेज करिए जो सच में पढ़ना चाहता है, क्योंकि मेरे को अच्छे से याद है बच्चों, अगर आप लोग जब इस बैच में जुड़ोगे तो किसी दिन मैं आपको महासंगम 3 वाले बच्चों से मिलवाऊंगी. उस बैच में 8,000 से 9,000 एडमिशन थे, इनफैक्ट 8,000 से 9,000 तो मैंने उस समय के बताए, उसके बाद भी बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया है. 8,000 से 9,000 बच्चे थे, और यकीन मानिए कोई 5-7 बच्चे, 8-9 हज़ार में 5-7 बच्चा तो आएगा ही आएगा ऐसा. उनको तो हमने हालांकि उनके पैसे वैसे रिफंड करके उनको कब का ब्लॉक भी करवा दिया है, लेकिन बच्चों उसके बाद जो बच्चे हैं इतने फंटास्टिक बच्चे हैं वो मैं आपको बता नहीं सकती. हर चीज को इस तरीके से नोट डाउन करते हैं. अभी मेरा उस बैच में केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल चल रहा है, क्या मस्ती से बच्चे पढ़ते हैं उस बैच में, एकदम पीरियोडिक टेबल लेकर. मेरे से पहले जब मैं भी लास्ट क्लास का जो भी रिवाइज करवाते हैं टीचर, मैं हर एक टीचर की क्लास के कॉमेंट देखती हूँ, तो बस वैसे ही बच्चे आए. बाकी मुझे उठपटांग से बच्चे नहीं चाहिए, खुरापात बच्चे नहीं चाहिए, है ना, जो हर बात पे शिकायत करते हो, हर बात पे पढ़ा लिखना उनको खुद से मेहनत करनी नहीं है. जितनी मेहनत हम करेंगे इस बैच को कंटिन्यू करने के लिए, पूरा एकदम पढ़ाने के लिए, उतनी आपको भी करनी पड़ेगी. तो ऐसे ही महासंगम 3 बैच में आए थे. हालांकि मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि बहुत कम अमाउंट है, तो इसमें आप लोग, इसमें बच्चा अच्छा नहीं आएगा, तो मैंने कहा कैसे आप जज कर सकते हो बच्चे का अच्छा बुरा. तो बहुत सिंसियर बच्चे आए थे महासंगम बैच 3 में, मैं भूल नहीं सकती. मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी जब इस बैच में आएंगे, तो एक दिन उन बच्चों के आपको चैट निकाल के दिखाऊंगी. और चैट में कोई ये नहीं हाय हेलो टाइप, तुम किसी दिन मैं या फिर कोई और टीचर मैथ्स के, इंग्लिश के, रीजनिंग के, हम लोग एक टेस्ट पेपर सेट करेंगे उनके लिए, और फिर देखिएगा कि टेस्ट पेपर में बच्चे कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं वो बच्चे, और जेन्युइनली वो पढ़ने वाले बच्चे हैं. तो बस ऐसे ही बच्चे इस बैच में आए, क्योंकि इस बैच, ये जो बैच में देती हूं ना, इस बैच में सिर्फ मुझे उन्हीं बच्चों को पढ़ाना है जिन बच्चों को सच में जरूरत है, सच में जरूरत है पढ़ने की. तो चलिए फिर इस बैच के अंदर मिलेंगे हम आपको. ये सारा थ्योरी वाला पार्ट होगा, और आपको प्रॉपर तरीके से टेस्ट सीरीज 1 साल के लिए वैलिडिटी रहेगी इस बैच की, 1 साल के लिए आपके पास टेस्ट होंगे, और इन फ्यूचर 1 साल के अंदर अंदर और भी कोई नए एग्जाम होंगे उनके सारे टेस्ट सीरीज हम अवेलेबल करवाएंगे अपनी वेबसाइट पे. ये नहीं है कि पुराना जो हो गया, नहीं, जो अपकमिंग भी होगा वो भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है. और लेकिन ये याद रखिएगा बेटा कि आप लोग सिर्फ 29 तारीख तक या 30 तारीख तक, 1 तारीख से, क्योंकि ना 2 या 3 दिन इसके डेमो चलने वाले हैं, 1 या 2 तारीख को इसमें एडमिशन में क्लोज करवा दूंगी. उसका रीजन यही है कि फिर जो नए बच्चे ऐड होते हैं ना, फिर वो पुराने वाले बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम करते हैं, है ना. और आजकल तो हमारी नई एप्लीकेशन पर जो कमेंट्स भी है ना, वो थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम चल रही है, वो आपस में एक दूसरे के कमेंट्स भी दिख रहे हैं, तो हालांकि उस पर टेक्निकल टीम काम कर रही है. और हाँ, एक अनाउंसमेंट और, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम लैपटॉप का एप्लीकेशन, बेटा पहले जो हमारा एप्लीकेशन था ना पुराने वाला, वो सिर्फ विंडो 10 पे चलता था, लेकिन इस वीक में, प्रॉमिस है मेरा, इस वीक में, बस ये जो अपकमिंग वीक है ना, इसके अंदर आपको लैपटॉप का एप्लीकेशन भी मिलेगा. आपके पास विंडो 7 हो, 8 हो, 10 हो, आप किसी भी विंडो पे चलाइएगा उसको, और उसी वहां लैपटॉप से ही टेस्ट सीरीज, लैपटॉप से ही वीडियो देख पाएंगे, नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे. तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ फोन पे देखें, आप लैपटॉप से भी अपनी सारी क्लासेस देख पाएंगे 1 सप्ताह के अंदर अंदर. लेकिन हाँ, 1 सप्ताह का 10 दिन हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि हो ऑलमोस्ट टेस्ट सीरीज वाली एप्लीकेशन तो बनी चुकी है हमारे लैपटॉप पे, और बस वो वीडियो वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्यूशन कर रही है हमारी टीम, तो इसको बस करने वाली है लॉन्च. तो आपके बैच में तो हालांकि आपका बैच जैसे स्टार्ट होगा 4-5 दिन में हमारे लैपटॉप की एप्लीकेशन भी आ जाएगी नई वाली. कुछ नई टेक्नोलॉजी लाने में, पुराने वाले को हटाने में हल्का समय लगता है बेचा,
हल्का समय लगता है बिकॉज टेक्नोलॉजी अपडेट भी हो रही है ना. आप सोचिए टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको ये सारे जो पार्ट है वो आपको लैपटॉप पे अवेलेबल करवाना, सारी विंडोज पे अवेलेबल करवाना, तो हल्का टाइम लगता है. तो टेक्नोलॉजी जब अपडेट होती है थोड़ा सा समय लगता है. तो बस इस वीक में या दस, हालांकि बस मुश्किल से 8-10 दिन के अंदर आपकी लैपटॉप वाली एप्लीकेशन भी आ जाएगी. तो अगर आप ये सोचकर बैच नहीं ले रहे हैं कि लैपटॉप पर नहीं चलेगा, तो मैं आपको बता दूं आप बहुत बड़े धोखे में रह जाएंगे. आपको लैपटॉप की भी एप्लीकेशन अगले 10 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगी. ठीक है, चलो फिर जिसने बैच नहीं लिया है कोई बात नहीं, इसके बाद कभी बैच की जरूरत हो तब ले लीजिएगा, या YouTube से ही पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जहां से भी पढ़ना है वहां से पढ़ लो. बाकी जिसने बैच लेना है वो फ्यूचर टाइम्स कोचिंग एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है? फ्यूचर टाइम्स कोचिंग एप्लीकेशन, यहां लिखा हुआ है बच्चा, मैं आपको दिखा देती हूं. फ्यूचर टाइम्स कोचिंग एप्लीकेशन, इसे डाउनलोड करेंगे आप प्ले स्टोर से. तो डाउनलोड करने के बाद आपके सामने आएगा लाइव क्लास का ऑप्शन. सबसे ऊपर जो फर्स्ट आइकन है वो है लाइव क्लास, और लाइव क्लास की न्यू बैचेस की कैटेगरी में जाओगे. न्यू का मतलब एकदम नए नए बैच, तो उस न्यू वाले बैच से आप इसे परचेज कर सकते हैं. ठीक है, तो क्या करना है आपको? लाइव फ्यूचर टाइम्स कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है. डाउनलोड करके न्यू वाली एप्लीकेशन, न्यू वाला लाइव क्लास में जाके न्यू वाला कैटेगरी में जाना है. न्यू वाली कैटेगरी में जाके आपको ये बैच मिल जाएगा, महासंगम बैच 4. और बाकी मिलते हैं आपसे. शेड्यूल आपको कल भी अनाउंस कर दूंगी मैं. बाकी शेड्यूल आपको वहां पर मिलेगा आपको कि किस समय किसकी क्लास होगी. जब आप बैच को परचेज कर लेंगे ऊपर पूरा क्लास शेड्यूल आ रहा होगा कि जैसे 8 से 9 में बायो है, मतलब फॉर एग्जांपल बता रही हूं मैं. ठीक है, 10 बजे हिस्ट्री है, 11 बजे ये है, तो वो पूरा शेड्यूल आता है डे बाय डे का. ठीक है, चलो मिलते हैं फिर इस बैच के अंदर. तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए और बढ़िया तंदुरुस्त रहिए. थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.